गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक रोमन नंबर्स। सो लेट अस एक्सप्लेन रोमन नंबर्स। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन नंबर्स। लिखने के मेथड में एक ये पुरानी सिस्टम है एक, जो इसके थ्रू से पहले लोग लिखा करते थे, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। सो बेसिकली इसमें सेवन सिंबल्स होते हैं। सो देयर आर सेवन बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी नंबर्स। कोई भी नंबर लिखने के लिए इसमें सिर्फ सेवन सिंबल्स ही होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग कई तरह के नंबर्स को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रोमन नंबर्स क्या है, तो वो सेवन सिंबल्स कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबरल में कहते हैं, सिंपल साइज से लिखते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। गॉट इट। सो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ नियम है, लिखने के तरीके हैं, जो सिंबल्स को हम लोग कितना बार रिपीट करते हैं और किस सिंबल्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ओनली आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड। हम लोग इसी सिंबल्स को आई, एक्स, सी, एम, इन्हीं सभी को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, रिपीट करके दोबारा लिख सकते हैं। वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। ध्यान दीजिएगा कि वी, एल और डी, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 times। कोई भी सिंबल्स को हम लोग 3 से ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं। सो वी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, जिसमें हम लोग इन तीनों सिंबल्स को, यानी कि वी, एल और डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 10, 9 लिखना है, ठीक है, 9। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं 10 के लिए होता है x, ठीक है, x लिखना है 10 के लिए, ये तो x हो गया। अब इसमें से मान लीजिए अगर हम -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9। तो कभी भी अगर हम लोग माइनस भी करते हैं तो वो, चलिए 6 नंबर रूल देखते हैं कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। हम लोग आई को सिर्फ वी और एक्स में से ही माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे लिखना है 4, ठीक है, तो 4 के लिए मैं क्या करूँगा, तो 5 में से 1 माइनस कर दूँ। तो माइनस करने के लिए कभी भी ध्यान रखना है कि माइनस करने के लिए पहले लिखा जाता है, नंबरल के पहले माइनस किया जाता है, और जब ऐड करेंगे तो वो आफ्टर लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है, तो 5 में से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही 10 है, तो मान लीजिए 10, तो 10 में से हम लोग आई माइनस कर सकते हैं। अगर 10 में से आई माइनस किए तो ये क्या हो गया, 10 में से आई का वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस करें तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। वैसे ही सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। हम लोग सी को डी और एम में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक्स को सिर्फ एल और सी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। सो अब चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें लिखना है, ये तो छोटे से नंबर थे, 7 नंबर्स थे, तो ऐसे हम लोग अगर लिखते हैं तो देख लीजिए नंबर कैसे होंगे। तो ऐसे हिंदू अरबिक नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बट रोमन नंबरल सिस्टम में क्या होता है कि आई,
टू के लिए हम लोग डबल आई लिखते हैं, थ्री के लिए ट्रिपल आई, फोर के लिए फाइव में से आई माइनस कर देंगे, फाइव के लिए भी लिखते हैं, सिक्स के लिए भी आई लिखते हैं, सेवन के लिए भी आई आई, और एट के लिए भी ट्रिपल आई, क्योंकि तीन बार से हम लोग ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, नाइन के लिए हम लोग टेन में से वन माइनस कर लेंगे और टेन के लिए एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली लेट टेक अ बिग नंबर, हाउ विल यू राइट द रोमन न्यूमरल्स। सो फॉर एग्जांपल 400 कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 500 के लिए कितने होते हैं, चलिए अब देखते हैं कि हम लोग रोमन नंबर्स को लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सभी है हिंदू अरबिक नंबर्स हैं, और नीचे का जो वैल्यू है ये है रोमन नंबरल सिस्टम, ठीक है, रोमन नंबरल। तो इस सभी को कैसे लिखा जाता है, तो कभी भी आप रिपीट कीजिएगा नंबर को, जैसे वन को रिपीट कर सकते हैं तीन बार, थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो वन के लिए हम लोग सिंगल आई लिखते हैं, टू के लिए डबल आई, थ्री के लिए ट्रिपल आई, एंड फोर के लिए क्या करते हैं कि फाइव में से वन माइनस कर लेते हैं, यानी कि माइनस करने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स के पहले पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये फोर हो गया, ठीक है। तो फाइव में से वन माइनस कर लिए तो फोर हो गया। फिर जब हम लोग ऐड करना होता है तो ऐड करने के लिए हम लोग आगे की तरफ लिखते हैं, ठीक है, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि फाइव में हमने एक आगे वन रख दिया तो ये हो गया सिक्स, टू रखा तो सेवन, एट रखा, थ्री रखा तो एट, सिमिलरली। बट नाइन क्या है, नाइन में हम लोग ये फोर टाइम्स आई को रिपीट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको रूल में ही बताया था कि तीन बार से हम लोग ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो टेन के लिए तो एक्स होता है, तो एक्स में से हम लोग वन तो माइनस कर सकते हैं ना, तो एक्स से पहले अगर हम वन लिख लें तो ये माइनस हो के कितना हो जाएगा, नाइन, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको आगे लिखना हो तो आगे लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, टेन के आगे आगे की तरफ ये सभी नंबर को बारी बारी से पुट करते चलिए, तो ये 19 तक जाएगा ऐसे ही, ठीक है। फिर 20 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स को दो बार आप रिपीट कर सकते हैं, हाँ। 30 लिखने के लिए फिर से आप थ्री टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 40 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 50 में से माइनस करना होगा एल में से, ठीक है। तो एल में से अगर एल होता है 50 के लिए, तो अगर हम लोग इसमें से एक्स माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 40। अब 50 के लिए होता है L, ठीक है। 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, L में 10 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 में इसमें 10 ऐड किए तो 60 हो गया। 70 में हम लोग क्या करेंगे, X को तीन बार रिपीट कर सकते हैं, तो अभी फर्स्ट सेकंड टाइम हुआ है तो दो बार रिपीट किए 70। और फिर जब 80 लिखेंगे तो 80 के लिए हम लोग L ट्रिपल X और ये हो गया 80। जब 90 लिखेंगे तो 90 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 90 के लिए हम लोग 100 में से माइनस करेंगे कितना, तो 100 के लिए होता है C, तो C में से अगर हम लोग 10 माइनस कर दें तो ये हो गया 90। अब स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन राइट एनी नंबर्स इन रोमन नंबर्स, ओके। सो लेट टेक अ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 392, okay, so 392, we know that we can repeat C three times, so C stands for 100, so we can write triple C, this means 100 + 100 + 100 is equal to 300, then now we have to find 92 more, तो 92 और फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 90 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स सी, ओके। तो इसमें अगर हम लोग एक्स सी ऐड कर दें प्लस 90, ओके, और इसी में अगर हम लोग मान लीजिए कि 2 और ऐड कर दें, तो 90 के लिए हम लोग लिखेंगे एक्स सी, और प्लस 2 के लिए कितना लिखेंगे, डबल आई, ठीक है, डबल आई लिखेंगे, तो एक्स सी हो गया और डबल आई, तो ये हो गया आपका 392। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 900 या 898, ठीक है,
898. So कैसे हम लोग लिखेंगे, how will we write this number in Roman numerals? So it is very simple, don't worry, we can take 1000, and 1000 m stands for 1000. Okay, so m, we can write m for 1000, but to get 898 we have to subtract. Okay, so m में से हम लोग 200 माइनस कर लेंगे. तो माइनस करने के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं तो c होता है कितना के लिए, 100 के लिए. तो हम लोग डबल c माइनस कर लें, तो 1000 में से, अगर मान लीजिए 1000 में से 200 माइनस हो गया तो कितना बचा, रह गया कितना, तो 800. यू गॉट इट. अगर हम लोग 800 में 98 ऐड कर दें, मतलब 800 में कितना, प्लस 8 ऐड कर दे, तो 800 के लिए तो ये हो गया डबल सी एम, और 90 के लिए क्या हो गया, 90 के लिए क्या हो गया, तो 90 के लिए हो गया एक्स और सी, प्लस 8 के लिए वी ट्रिपल वा आई. ओके, तो ये हो जाएगा कि सी सी एम एक्स सी और वी आई 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 ट्रिपल आई. यू गॉट इट.